मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट में जाए, कहाँ से सीखे, वो इंस्टीट्यूट में जाने से पहले हम लोग उससे क्या क्वेश्चन करें, वो हम लोग को क्या सिखाएगा नहीं सिखाएगा, इन सब चीज़ के बारे में यदि जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में जा करके फंस चुका हूँ कि मुझे पता है इंस्टीट्यूट में क्या सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं। ठीक है, तो आ गए आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। इसमें मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा कि जिसके बिना मोबाइल रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। मैं एकदम इम्पॉर्टेंट टूल्स के बारे में ही आज आपको बताऊंगा, और भी मतलब बहुत सारे टूल रहते हैं, लेकिन उस टूल को आप नहीं भी लोगे तब भी आपका काम चल सकता है। लेकिन आज मैं जो टूल बताने वाला हूँ उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। आप यदि मोबाइल का दुकान खोलना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, एकदम बिगिनर्स हो, तो ज़्यादा डीपली मत जाना। ठीक है, जो जो मैं टूल बता रहा हूँ बस उस टूल को खरीद लो, दुकान खोल करके बैठ जाओ और अच्छा खासा पैसा कमाने लगोगे। कैसे कमाना है नहीं कमाना है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। मोबाइल रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ का दिक्कत आती है, वो हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा क्या कि भैया मुझे तो मोबाइल रिपेयर आता नहीं है, तो उसके लिए मुझे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पटना मुंबई दिल्ली भटकना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर के रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीखेंगे, तब जाकर के हम लोग कस्टमर का मोबाइल बना करके दे पाएंगे। नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप पटना इंस्टीट्यूट में चाहे दिल्ली इंस्टीट्यूट में नहीं भी जाते हो तो आप घर बैठे आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो, और अच्छे से सीख सकते हो। इतना अच्छे से सीख जाओगे कि कस्टमर को आप मोबाइल बना करके दे सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो, वो भी अच्छा खासा। बस वही है, थोड़ा सा जान पहचान बढ़ जाएगा आपका मोबाइल रिपेयरिंग में, और उसके बाद तो आप एकदम समझिए तो उस फील्ड के एकदम अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे मोबाइल रिपेयरिंग के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन से टूल है, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोबाइल रिपेयर किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप तो होंगे घर पे बैठे हुए होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे और ये सोचते होंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग मैं भी सीख लूँगा और मतलब कि अपना बिजनेस चालू करूँगा। लेकिन आपको अभी ये नहीं पता है कि मार्केट में जो अभी है क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, मोबाइल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाता है, हर एक चीज़ इस चैनल पे आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले टूल आता है SMD रिवर्क स्टेशन। ये जो होता है ये एक टूल होता है जिसमें कि गर्म हवा आता है। ठीक है, और इसको इससे जो है IC का काम किया जाता है, प्लस इसका चार्जिंग पिन का काम किया जाता है, और भी इसमें बहुत सारा काम किया जाता है इसके हीट से। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है ये टूल, क्योंकि इससे आप चार्जिंग पिन बनाते हो, कोई भी बैटरी कनेक्टर का पिन हो गया उसको बनाते हो, या फिर कोई भी IC को निकालना हुआ वो बनाते हो, या फिर तो कोई भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को निकालना हो बहुत अच्छे से, तब आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हो। लेकिन हाँ, इसका यूज़ बहुत सावधानी से किया जाता है, नहीं तो मदरबोर्ड जल भी सकता है या फिर डिस्प्ले जल भी सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद आता है LCD सेपरेटर। ये क्या करता है ना, डिस्प्ले और टच को मतलब कि काटता है बीच से। ठीक है, वो हम लोगों को काटना पड़ता है। ये क्या करता है, वो डिस्प्ले को पकड़ के रखता है, मतलब कि एक वैक्यूम बना करके रखता है, और उसको हीट प्रोवाइड करता है डिस्प्ले को, ताकि वो जो डिस्प्ले जो है हीट लेकर के पूरे उसके अंदर जो ग्लू चिपका हुआ रहता है डिस्प्ले और टच के बीच में, उसको वो छोड़ सके और आप अच्छे से काट लो। LCD सेपरेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के जो नए नए फ़ोन आते हैं और उसके जो बैक पैनल जो रहता है वो ग्लू की मदद से ही चिपकाया हुआ रहता है, तो उस ग्लू को हटाने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को हीट करना पड़ता है, बैक पैनल को हीट करना पड़ता है। आप हीट कर देते हो अच्छे से, तब जा करके वो ग्लू छोड़ देता है, और आप फैलकॉन मार के आप उस ग्लू को हटा देते हो और वो मोबाइल को खोल लेते हो बनाने के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद आता है आयरन। आयरन आप कोई सा भी ले सकते हो, साइरन का या फिर सोल्ड्रोन का, 25 वाट का आयरन होना चाहिए, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्जिंग पिन लगाने में, या फिर कोई भी कॉम्पोनेंट को निकालने में या फिर लगाने में, और भी बहुत सारी चीज़ में आयरन तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। आयरन यहाँ पे दो प्रकार का आपको लेना पड़ सकता है, एक 25 वाट का जो नॉर्मल सा आता है, और एक मिनी आयरन जो कि रहता है वो भी आप ले लोगे, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से आप उसमें मतलब कि काम कर सकते हो। इससे क्या क्या काम कर सकते हो, जैसे कि पावर बटन ख़राब हो गया है तो पावर बटन को कैसे बनाना है, चार्जिंग पिन ख़राब हो गया है तो चार्जिंग पिन मतलब कि बना तो लोगे लेकिन उसमें जंपर कैसे मारना है, कहाँ से मारना है, तो उन सब चीज़ में जो है ये मिनी आयरन बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लू। यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग के मामले में ग्लू को सीधे मतलब कि फेविकॉल या फिर कुछ और नहीं कहा जाता है, सीधे E800 नहीं तो T800 बोला जाता है, E900 बोला जाता है, जो कि वो ग्लू का काम करता है, जो कि
फोल्डर को चिपकाने का काम करता है, डिस्प्ले को चिपकाने का काम करता है, या फिर मोबाइल में कोई भी चीज़ है जो कि आपको चिपकाना पड़ रहा है, तो आपको E800 नहीं तो T800 ही यूज़ करना है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, रहा बात चिपकाने का, बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि भैया कभी कभी मुझे मतलब कि हो सकता है कि कोई चीज़ मैंने चिपका तो दिया लेकिन गलत तरीके से चिपका दिया, लेकिन अब मुझे उसको फिर से उखाड़ना है। तो उखाड़ने के लिए आपको मतलब कि ज़्यादा दम नहीं लगाना है, फैलकोन का यहाँ पे यूज़ करना है। फैलकोन एक लिक्विड रहता है जिसको कि आप जैसे ही मोबाइल के ऊपर स्प्रे करते हो, ग्लू के ऊपर स्प्रे करते हो, वो पूरा जो ग्लू है, जो गम है, वो पूरा छोड़ देता है और आप आसानी से उसको निकाल सकते हो ईजिली। आपको ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसमें ज़्यादा दम लगाओगे तो हो सकता है डिस्प्ले क्रैक कर जाए, टच जो है फूट जाए, या फिर उसी ग्लास फूट जाए और आपका और भी भारी नुकसान हो जाए। तो ये फैलकोन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और E800 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है ओपनर। ओपनर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के लिए, क्योंकि जब तक मोबाइल फ़ोन ओपन नहीं होगा, खुलेगा नहीं, तब तक आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो ओपनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर तो ऑफकोर्स आपके पास होगा ही, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। आप स्क्रू से खोलोगे नहीं तो बनाओगे क्या। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब बात आती है जम्पर का। जम्पर वायर कब काम आता है वो हम लोग जान लेते हैं। जब किसी भी जैसे कि चार्जिंग पिन हो गया, ठीक है, या फिर स्पीकर हो गया, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी प्रिंट जो है गायब हो जाता है। मोबाइल फ़ोन को बनाते बनाते क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिस्त्री रहते हैं जो कि प्रिंट को उसको गायब कर देते हैं, या फिर तो निकालने के दौरान गायब हो जाता है, या फिर गिरने के दौरान, या फिर तो SMD से हीट करने के दौरान वो जो है प्रिंट है पूरा गायब हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग जम्पर का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक सिरा से लेकर के दूसरे सिरा तक को करेंट जो है अच्छे से पहुँचाया जा सके, ताकि मोबाइल का जो है सिग्नल प्रॉपर पहुँच पाए उस तार के द्वारा और हम लोगों का मोबाइल जो है सही से वर्क कर पाए। तो जम्पर हम लोग बहुत सारे जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे चार्जिंग पिन में, ईयरफोन में, या फिर ईयरफोन का सिंबल हटाना है, या फिर बैटरी कनेक्टर काम नहीं कर रहा है सही से वहाँ पर, या फिर कोई दूसरे एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट पे करंट आ रहा है, दूसरे कंपोनेंट पे करंट नहीं जा रहा है, तो उस दोनों के बीच में जो मतलब कि डैमेज हो चुका है वायर, तो उस वायर को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम लोग को जम्पर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जम्पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको सेलो टेप चाहिए, वो जो वाइट कलर का आता है टेप, आप वो भी ले सकते हो, या फिर तो एक अलग से येलो कलर का टेप आता है जो कि हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, आप वो टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मतलब कि बहुत ज़्यादा काम देगा। आप डिस्प्ले या फिर फोल्डर ये सब उसमें लगाओगे, मोबाइल में फिट करोगे, तो ये मतलब कि टेप उस समय कुछ देर के लिए लगा करके छोड़ना पड़ता है ताकि वो जो ग्लू है अच्छे से मतलब कि उसको चिपका दे और वो जो फोल्डर है अच्छे से फिट हो जाए। तो इसका भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लेना पड़ता है। उसके बाद बात आती है कैंची का, सीज़र। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि जब आप जम्पर मतलब कि मारोगे तो वहाँ पे सीज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कितना दूर का मतलब कि कितना वायर चाहिए, तो उस वायर को काटने के लिए जम्पर चाहिए होता है। आप सोच रहे हो कि सीधे हाथ से ही तोड़ देंगे और काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही हाथ से तोड़ने जाओगे पता चलेगा क्या कि जम्पर आपने जहाँ पर सोल्डरिंग किया है सीधे वहाँ से ही उखड़ गया, तो इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उस समय हम लोगों को सीज़र लेना ही पड़ता है। और बहुत सारे केस में क्या होता है, चार्जिंग पिन जब हम लोग लगाने जाते हैं तो उसका जो मतलब कि बहुत सारा ऐसा पार्ट रहता है जो कि हम लोगों को काट करके हटाना पड़ता है, तो उस समय हम लोग सीज़र या फिर मतलब कि एक कटर का यूज़ कर सकते हैं जो कि इसको काटने का काम करता है। और हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है पेस्ट का। पेस्ट क्या होता है, जब हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर पेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लस वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि वो उसको गलाने का काम करता है और उसको सोल्ड करने का काम आता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पर पेस्ट हम लोग, ये बात हमेशा याद रखना, यदि आपको कोई भी चीज़ को सोल्डरिंग करना है, उसको सोल्ड करना है, जोड़ना है, तो वहाँ पर यदि आप पेस्ट का इस्तेमाल करोगे तो वो जो सोल्ड हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से पकड़ेगा, मतलब स्ट्रांग पकड़ेगा। और यदि आप पेस्ट को इस्तेमाल नहीं करते हो, ऐसे ही मतलब कि जोड़ दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है। जैसे कि एग्जांपल में आप ये ले सकते हो, एक ईंट को फिर से एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने के लिए हम लोग जैसे सीमेंट का यूज़ करते हैं, बालू सीमेंट ये सब का घोल बना करके डालते हैं दो ईंट के बीच में, तो वैसे ही तब जा करके हम लोग का जो वो ईंट है, वो जो दीवार है, मजबूत होता है। तो वैसे ही जब हम लोगों को दो वायर को या फिर दो कंपोनेंट के बीच में किसी भी चीज़ को सोल्डरिंग करना रहता है तो हम लोग पेस्ट डालते हैं ताकि उसको वो एकदम स्ट्रांग बना दे, स्ट्रांगली से वो पकड़ ले और उसको वो छोड़े नहीं। और यदि पेस्ट नहीं डालते हो तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है।
लेकिन यहाँ पर यह भी मायने रखता है कि पेस्ट आप कौन से कंपनी का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि देखो जैसे कि अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट ने अपना जो है एक इमेज बना लिया है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इन सब के मामले में भी पेस्ट आता है, ठीक है। कंपनी का पेस्ट यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा से काम करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा से सोल्ड करेगा, स्ट्रांगली सोल्ड करेगा, और वो जल्दी छोड़ेगा नहीं। और यदि कोई लोकल पेस्ट आप यूज़ करोगे तो वो मतलब कि पकड़ेगा ही नहीं, जाए वो मतलब कि यूज़फुल हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं कंपनी बता देता हूँ, पेस्ट जो आता है क्विक का आता है, क्विक कंपनी का आप यूज़ करो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब मैं पेस्ट का बात कर ही रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वायर का भी यूज़ कर लेता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि वो कौन सा वायर रहता है जो कि वो गल जाता है और प्लस मतलब कि वो उसको चीज़ को सोल्ड कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी कंपनी आता है, कंपनी आप बूम बूम का ले सकते हो, बूम बूम का वायर जो है बहुत अच्छा आता है, रिज़ल्ट अभी तक मुझे बहुत अच्छा मिला है इसका। या फिर तो आप भारती का ले सकते हो, ये भी एक कंपनी है, बूम बूम भी कंपनी है, भारती भी कंपनी है। इस दोनों कंपनी का जो वायर है बहुत ज़्यादा अच्छा है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और अच्छे से ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का और ज़रूरत पड़ सकता है डी सोल्डर वायर। डी सोल्डर वायर का कब ज़रूरत पड़ता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि आपको चार्जिंग पिन बनाना है, चार्जिंग पिन बनाओगे तो उसमें बहुत सारा खांच रहता है जिससे कि चार्जिंग पिन को मजबूती दिया जाता है, ताकि जो आप चार्जिंग पिन लगाते हो तो वो वहीं पर टिका रहता है। और यदि उसको मजबूती नहीं दिया जाएगा तो चार्जिंग पिन आप जैसे ही मतलब कि चार्ज करोगे मोबाइल को, वैसे ही वो पिन जो है अंदर की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा, मतलब कि वो चार्जिंग जो पॉइंट है, चार्जिंग जैक है, वो अंदर घुसेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को डिसोल्डर वायर को यूज़ करना पड़ता है, उस ढांचे को मतलब कि पूरा अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए। अच्छे से जब साफ़ हो जाता है तो हम लोग चार्जिंग पिन को डाल करके अच्छे से फिर उसको सोल्ड कर देते हैं और उसको मजबूती दे देते हैं चार्जिंग पिन को, ताकि वो जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो पीसीबी होल्डर। पीसीबी होल्डर बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको फ़ायदा देगा यदि आप बिगिनर्स हैं तो। यदि आपका हाथ बैठा हुआ है तो आप मतलब कि पीसीबी होल्डर के बिना भी काम कर सकते हो, लेकिन यदि आप बिगिनर्स हो तो पीसीबी होल्डर का इस्तेमाल करना, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे कंपोनेंट जो रहते हैं मोबाइल के अंदर थोड़ा सा हिल जाने की वजह से अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से सट गया तो समझो तो मोबाइल डेड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है बेसिक्स टूल्स मोबाइल रिपेयरिंग के, आप ये सब ले लो और उसके बाद अपने दुकान का ओपनिंग कर सकते हो और अच्छे से इसे कमा सकते हो। और जिन लोगों का सवाल है कि भैया मुझे तो मतलब मोबाइल रिपेयरिंग आता ही नहीं है, मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए पटना इंस्टीट्यूट या फिर इधर उधर जाना पड़ेगा, 30-40 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा तब जा करके हम लोग सीख पाएंगे, तो मैं बताता हूँ कि भैया तुम लोग बेवकूफ़ हो। मैं आपको लिख करके दे देता हूँ कि आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में ज़्यादातर मतलब कि हाई लेवल का काम आते ही नहीं है आजकल, क्योंकि कंपनी जो है मतलब कि पहले का जो फ़ोन है, पहले का जो फ़ोन जो था उसमें बहुत सारे काम आते थे जिसकी वजह से सबको सीखना पड़ता था। लेकिन आजकल का जो मोबाइल आ रहा है वो लिखो फिको आ रहा है, यूज़ एंड थ्रो आ रहा है, आते भी है तो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं जो कि आप बिना सीखे भी अच्छे से कर सकते हो और अपने लेवल पे बना करके कस्टमर को दे सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। और आजकल के जो मतलब कि इंस्टीट्यूट वाले हैं वो लोग हैं बेवकूफ़ बनाते हैं स्टूडेंट को कि आइए हम लोग ये काम सिखाएंगे वो काम सिखाएंगे। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में सब कोई जाते हैं आईसी का काम सीखने के लिए। तो हाँ, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, यदि आपको आईसी का काम करना है तो आपको मतलब इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, आईसी का काम मतलब कि वहाँ पर से आप अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन यदि आप आईसी का काम छोड़ करके बाकी और भी जितने काम रहते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर वो सब काम करना चाहते हो तो आपको इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूट्यूब से सीख सकते हो और वो भी बहुत अच्छे से मोबाइल को रिपेयर करके कस्टमर को दे सकते हो। बस यहाँ पे खेल रहता है प्रैक्टिस का, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ इस पर बैठेगा मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर, और जितना ज़्यादा हाथ बैठेगा आप उतना अच्छे से किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, और पैसा कमा सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट में जाए, कहाँ से सीखे, वो इंस्टीट्यूट में जाने से पहले हम लोग उससे क्या क्वेश्चन करें, वो हम लोग को क्या सिखाएगा नहीं सिखाएगा, इन सब चीज़ के बारे में यदि जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में जा करके फंस चुका हूँ कि मुझे पता है इंस्टीट्यूट में क्या सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं जा करके फंस चुका हूँ और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि मैंने इसमें मतलब कि बहुत सारा पैसा झोंक चुका है, ठीक है, 30-40 हज़ार रुपये मैंने इसमें लगा दिया है, लेकिन फिर भी मतलब कि इंस्टीट्यूट वाले जो है प्रॉपर मतलब कि इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, प्रॉपरली नहीं सिखा पाते हैं। अभी भी बहुत सारे मोबाइल आते हैं जो कि आईसी का काम रहता है, जो कि नहीं हो पाता है मुझसे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का कमी है और मतलब कि बच्चों से लूटने का एक साजिश है। तो आप इन सब के मामले में ना फंसे, अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।